हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है जी। ये नाम से ये मंसूख है जी। ठीक है एजाज भाई, सामने सब ये है तो ये क्या है पता मुझे नहीं ऐसा। लाख लानत है मुझे क्यों कह रहा है। एजाज भाई माशाल्लाह 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पर मस्जिद बिलाल। देखती आंखों सुनते कानों को आसिफ सागर का सलाम। वालेकुम सलाम जी। दोस्तों क्या हाल है आपके? ठीक हो माशाल्लाह। आपने जो जियारत की क्या बात है मदीने की, तो मदीने की जियारत के बाद हमारा जहन था कि ये जो मदीने की 3-4 मस्जिदें हैं आपको उनकी भी क्यों ना जियारत करवा दें। है जियाद भाई सर, ये बड़ी हिस्टोरिकल मस्जिद है। अच्छा हाँ जी, छोटे मोटी मस्जिद माशाल्लाह। आप आवाज क्यों नहीं बुलंद रखते हो यार अपनी? सब आवाज बुलंद में इसलिए रखता लगे यार भी मुझे पकड़ ना लगे। नहीं यूँ तो जो बड़े सिखू भाई होते हैं बोलते तो बहुत है। वो तो मुसलमान है सब। हम भी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज नहीं निकलती जियाद भाई यहाँ पर। अच्छा वो ना बढ़िया है सब, हिस्टोरिकल प्लेस है ये ना। अच्छा ये छोटी मोटी नहीं है कि देखो हम सबसे पहले जो आप आपको एक बहुत ही खूबसूरत दिलकश जो नजारा करवाने वाले हैं और बड़ी ही दिल फरेब सुकून दे मस्जिद है जो कि क्या बात है वो शेर खुदा माशाल्लाह। ठीक है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है जी। ये नाम से ये मंसूख है जी माशाल्लाह, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बहुत आला। ये मदीने में है जी। ये ना मस्जिद खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। इजाज भाई अंदर से भी तो दिखाए यार अपने दोस्तों को। आराम से ऐसा देखते हैं ये इसकी ऐसा सारी वो है डिटेल जो उन्होंने लिखी हुई है। मस्जिद अली बिन अबी तालिब। ठीक है सब। ये उमर बिन अब्दुल अजीज था ना साहब तुर्की खलीफा, उन्होंने ना बनाई थी बनू उमैया ने ना उमैया और 93 ईस्वी में ना 87 में और 93 में। ठीक है 881 की थी फिर उन्होंने दोबारा बनाई है। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला का हुजरा मुबारक था। ठीक है जो बाद में हजरत अली के जो ये आए ना उमर बिन अब्दुल अजीज उन्होंने ना इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह अंदर से देखिए जियाद भाई बहुत अच्छी माशाल्लाह सुकून दे रहे। क्या बात है जी माशाल्लाह सुकून जी बिल्कुल जी लम कदर है। यहाँ इसलिए बोल नहीं सकते दोस्तों कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं। देखें कितनी नफास के साथ में एक कदीम मस्जिद की तर्ज देती है। बड़ा ही गरीब काम चले जी जियाद भाई ये मस्जिद है अली की। मस्जिद तो हम चलते हैं अब अगली किसी मस्जिद में। अगली किस मस्जिद में जाना हमने? मस्जिद है एक मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक एक और भी है ना, हजरत बिलाल की भी तो है ना यार। ऐसे वो आगे उसके बाद चलेंगे वहाँ पे ना। चलो जी आज आपको ये एक मस्जिद और 3 मस्जिदें और दिखाते हैं, हजरत उमर हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल की। इन मस्जिद की और ज्यारत करवाते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ रहें, मिलते हैं कुछ देर बाद इंशाल्लाह। तो ये थी मस्जिद अली और इसी के अपोजिट सामने एक मस्जिद है, फिर उसके सामने मस्जिद है, एक मस्जिद हजरत उमर की एक हजरत अबू बकर की है। तो ये आपको जाके इंशाल्लाह करीब से दिखाते हैं कौन सी मस्जिद हजरत अबू बकर
की है और कौन सी हजरत उमर अली उमर की है जी? जाद भाई यार मस्जिद गुमामा भी कहते हैं ना यहाँ पर, ये ऐसा मस्जिद गुमामा है। चलो वो भी देखते हैं। तो दोस्तों करीब से जाके देखते हैं इंशाल्लाह। ये मंजर भी देखने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल आस पास है हजरत अली, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सदीक जी। दोस्तों आपको जो मस्जिद दिखाने लगे हैं वो भी माशाल्लाह हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल है। मस्जिद गुमामा, ये वो मस्जिद है जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दुआ की थी बारिश के लिए और दो ईद भी पढ़ाई थी। मस्जिद गुमामा माशाल्लाह फर्स्ट हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज ने पढ़ाई थी यहाँ पर नमाज और ईद भी बनाई तो थी ना यार, नमाज भी करवाई थी जी। दोबारा बता दे जाद भाई क्या हुआ था? मैंने कहा फर्स्ट डिग्री में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बनाई थी, तब की ऐसी कैसी माशाल्लाह। मस्जिद गुमामा, मस्जिद गुमामा का भी आपको अंदर से दिखाते हैं, उसी टाइम की ये मस्जिद है। बहुत ही अच्छी है। यह है मस्जिद गुमामा, मस्जिद गुमामा। अभी आपको आगे लेके चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं और मस्जिद है। इजाज भाई माशाल्लाह आगे की भी बड़ा मंजर है, मगर ये मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है यार ना। ये सर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार खास माशाल्लाह, उनके हर दिल अजीज और हमारे बहुत ही प्यारे सामने सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से है ये मस्जिद माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हां जी ये मस्जिद है अबू बकर अल सिद्दीक। तेरहवीं सेंचुरी बन गया सर ये माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है यार। उनका हुजरा मुबारक था यह, बाद में इसको मस्जिद के नाम पे मस्जिद के लिए वक्फ किया गया, मस्जिद के नाम पे डिक्लेयर किया गया। आज इजाज भाई अंदर से देखते हैं अभी। ये ऐसे से रमजान शरीफ के दिनों में बात के लिए, ये रमजान शरीफ में खोलते हैं वरना नहीं खोलते हैं। ये उसी टाइम की बनी हुई है ना अभी तक, इंटीरियर चेक कर भाई आगे। दोस्तों तो हमने तीन मस्जिदें आपको दिखा दी हैं, हजरत अली, हजरत अबू बकर और मस्जिद गुमामा जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद पढ़ाई थी, जबकि इजाज भाई ने हजरत उमर की कह दिया था वो नहीं थी। इजाज भाई आपने हजरत उमर की कह था वो तो थी नहीं यार मस्जिद, मिस्टेक हो गई। तो अब कहाँ जा रहे हैं? हजरत बिलाल की मस्जिद बहुत दूर है यार, चलो ये क्या इजाज भाई सामने। है तो ये क्या है पता मुझे भी नहीं ऐसा। लाख लानत है मुझे क्यों कर रहा है यार, यार ना कर मुझे दोस्तों वो बता दे दिखा दे, पूरे
चमड़ी मारी हुई आ रही है मैं इतना ही होता तो तुझसे पूछता। चलो कोई बात नहीं यार, कुल्लू माफी जायका तुम मौत। अच्छा तो दोस्तों सामने मस्जिद है, बिलाल जो आपको करीब जाके इंशाल्लाह दिखाते हैं। इजाज भाई माशाल्लाह 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पर मस्जिद बिलाल। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये इस्लाम की ताकत है। जी जी बिल्कुल, एक हबशी गुलाम अल्लाह ताला ने इस्लाम और बिक्री हमारे पैर कभी पे इस्लाम लाया, ईमान लाया, अल्लाह ताला ने कैसी इज्जत दी, कैसी रौनक दी है। हाँ जी बेशक, अभी तक उनका नाम ताया जिंदा और इंशाल्लाह ताया जिंदा रहेगा। आमीन सुम्मा आमीन। क़यामत के दिन जो मौज़नों के सरदार होंगे ना ये जी जी वज़न बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने। अच्छा माशाल्लाह। और क़यामत के दिन जो सबसे लंबी गर्दन होगी ना ये मौज़न की होगी अज़ान देने वाले का। बेशक गुलाम थे अल्लाह ताला ने फिर ऐसी इज्जत दी कि खाना का तो छिप अज़ान दी चढ़ गया है। सुभान अल्लाह, नबी की मोहब्बत में क्या बात। चले अंदर, चलो दोस्तों अंदर चलते हैं इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत मस्जिद दोस्तों, ये थी मस्जिद बिलाल और ये उसकी एंट्री थी, मगर तरावियों के बाद ये बंद कर देते हैं मस्जिद बिलाल को। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये, क्या बात है माशाल्लाह। बड़ा सुकून सा मिला है इजाज भाई, यहाँ भी बहुत ज्यादा रश था नमाजियों का, मगर ये बंद कर देते हैं जल्दी मस्जिद बिलाल को। तो आपको 4 मस्जिदों की ज़ियारतें करवाई हैं माशाल्लाह। कौन कौन सी थी इजाज भाई? हजरत अली, अबू बकर, मस्जिद गुमामा और ये है मस्जिद बिलाल। तो जी दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, इसमें अच्छी लगी है 110% जी। इतने मुकद्दस मुकाम आते हैं जी, प्यारे प्यारे जाते हैं, इतने बड़े सहाबा इकराम की के नाम से मंसूब हैं, उनके गुजरे मुबारक के बाद में मस्जिदों में तब्दील किए गए। तो हर किसी को के नसीब में कहाँ तो देखना जी। इसी के साथ दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टर्न वाला बटन तो भूले नहीं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है जल भाई।